नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के जीना इसी का नाम है प्रोग्राम के नए एपिसोड। She is a director's dream. She's honest. She's blunt. She's a tomboy. हाँ, एक कार्यक्रम का स्टाइल तो अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा। मेरी साथी सोनाली जी, सोनाली जी वहाँ सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है। आपको बता दें कि ये एक बहुत स्पेशल कमरा है। यहाँ पर उन सब लोगों से बातचीत होगी, गपशप होगी, जो आज के हमारे मेहमान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनके बारे में तो हम आपको बताते रहेंगे। और अब मिलते हैं आज के मेहमान से। शुक्रिया सोनाली जी, आज की बहुत काबिल, बहुत कमाल की, बहुत खूबसूरत अदाकारा को दावत देता हूँ। तशरीफ लाइए रवीना टंडन। इससे पहले कि हम आपसे बातें करें, आपकी बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग जिंदगी की कुछ झलकियां हम इस पर्दे पर देख लें। वो हमें टीले पे मिल गया था ना, तो हमने उसका नाम टीलू रख दिया। Stop it, Mary! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! Stop it! बहसियत एक्ट्रेस के, बहसियत आर्टिस्ट के, जब आप शुरू हुई थी और जहां पहुंची हैं, जिसके कुछ नमूने हमने यहां भी देखे, उसमें आपको अपने अंदर भी एक एक ग्रोथ का एक एहसास होने लगा है? या आपको ऐसा लगता है कि फलां जो मैं करती थी, वो लटके झटके वाले डांस जो मैं करती थी, अब मैं उससे मतलब उब गई हूँ, बोर हो गई हूँ, मैं अब कुछ और करना चाहिए, ऐसा आपको खुद महसूस होता है? पहले तो मैं आपके साथ खड़े होके आपके साथ बात करना चाहती हूँ। अरे प्लीज। मैं तो खुद अपने आप पर जोक मारती थी कि मैं तो चित्रहार क्वीन हूँ, लेकिन एक ऐसा मुकाम था जहाँ मैं मोहरा कर रही थी दिलवाले इम्तिहान ऐसी पिक्चरें की, वेयर आई वाज प्लेइंग द मेन प्रोटैगनिस्ट और द कैरेक्टर और द मेन रोल। एंड उसके बाद हाँ, जब मैंने रीस्टार्ट किया तो बहुत ये ऐसे सॉन्ग्स एंड खाली पांच छह सीन्स वाले फिल्म्स, जो एक्शन पिक्चरें जिन्हें कहते हैं, जिनमें हीरोइन का ज़्यादा काम नहीं होता है, बट हाँ हीरो 10 आदमियों को मारता है, वो काफ़ी किया। बट देन उसके बाद एक मुझे लगता है हर एक्ट्रेस की एक कहीं ना कहीं मेंटल ग्रोथ होने लगती है, टू अपने आप को चैलेंज करने की, टू एक्सेप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, अलग तरीके के किरदार निभाने की। एक ही तरीके के रोल्स करते जाओ तो हम अपने आप बोर हो जाते हैं, तो ऑडियंस को तो ब्लेम कर ही नहीं सकते फिर। लेकिन हम शुरुआत से शुरू करते हैं। रवीना जी की शुरुआत हम सब की शुरुआत की तरह ही है, इनके माता जी से, इनके पति। उनको हम दावत देते हैं तशरीफ लाने के लिए। रवीना के पिताजी जो हैं रवि टंडन साहब, बहुत काबिल, बहुत मशहूर और बहुत नामवर फिल्म मेकर हैं। हम बातें कर रहे थे रवीना से, एक तो मैं पहले यही पूछ लूँ कि इनका नाम किसने सिलेक्ट किया था? इस वजह से कि इनका नाम रवि है और मेरा नाम वीना है, तो दोनों को मिला करके रवीना नाम रखा गया। जीना इसी का नाम प्रोग्राम में हम आपकी कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो आपको शायद याद हो, लेकिन हमारे दर्शकों ने शायद देखी नहीं होगी, उनको याद भी नहीं होगी। हम स्क्रीन पे पहले वो देख लेते हैं। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी,
वीना जी, आखिरी तस्वीर में मैंने देखा कि एक छोटी बिल्ली के बच्चे को जो है हाथ में पकड़ के खड़ी हुई है। ये तो बहुत ही शौकी है इसको सब पेट्स का। और एक बार तो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि ये पता नहीं कहाँ से कचरे में से एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उठा करके लेके आई, और जबकि मुझे बिल्लियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और इसने कहीं अपने बेड के नीचे उसको छुपा करके रखा हुआ था, तो मुझे पता भी नहीं चला कि ये बिल्ली का बच्चा कहीं से उठा के आई है। हमारे घर में एक बहुत बड़ा फिश टैंक हुआ करता था, जिसमें इसकी वजह से हमने वो मच्छियाँ भी पाल रखी थी कि ये वहाँ बैठी हुई उन मच्छियों को देखा करती थी। और सडनली मैंने सुना कि ये कह रही है कि म्याऊं फिश खाओ, म्याऊं फिश खाओ। और मुझे समझ, क्योंकि इसने मुझसे शायद पूछा होगा कभी कि ये क्या खाती है, बिल्लियाँ क्या खाती हैं, तो मैंने कहा बिल्लियों को फिश का शौक होता है। तो मैंने सोचा ये ऐसे ही बोल रही होगी, किताब में देखा होगा या कुछ ऐसे, मुझे क्या मालूम कि उस टैंक में इसने बिल्ली का बच्चा डुबो दिया। अरे मामा, उसकी जोर ना हो यार, प्लीज। तो ये इनकी हंगामा खेज और एक्साइटिंग जिंदगी की कुछ और झलकियां देखते हैं। हेलो बेबी, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सरप्राइज। Can you remember this gooseberry tree? Of course, it was much fuller and bigger when you were in school. Full of gooseberries, your favorite fruit, which you used to enjoy every afternoon. But I got stuck on this, I couldn't come down, I was crying. Doesn't this give you a feeling of nostalgia? The jungle gym, meant only for the junior and the senior KG. But many an afternoon or many a time, you were found right on top, enjoying yourself. This is very embarrassing. नहीं तो अभी embarrassment पूरा नहीं हुआ ना, अभी और बहुत सी आपके शाहकार जो है यहाँ नजर आने वाले, और कुछ चीजें दिखाई दे। Please जरा और हम जिक्र करें रवीना की स्कूल की जिंदगी का। रवीना, do you remember the time you were studying with me in standard one? You used to feel so sleepy, and then I had to wake you up by telling you a few stories. But then once when you're quite active, you told me, teacher, may I say a few words? And I said, yes. And then you started telling me, I will show you how Jeena Aman acts. And you went to the wall and started posing like her. Oh, that time I felt that a star was born. आपकी उन दिनों की शुरुआत के दिनों के बारे में एक और साहब से बात करता हूँ जो आपको उन दिनों से जानते हैं, सुब्रोटो रॉय साहब। सर, आप भी रवीना जी को बहुत ज़माने से जानते हैं, और बहुत जब इनकी मतलब बहुत लड़कपन के दिन थे तब से जानते हैं, तो ये आपकी जान पहचान टंडन साहब से कैसे हुई, रवीना से कैसे हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। टंडन साहब तो भाभी दोनों लखनऊ आए हुए थे हमारे ख़ास फंक्शन में, और बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठा इन दोनों को। फिर मैं एक बार बॉम्बे पहुँचा तो फिर ये मिली और फिल्मों से काफ़ी पहले की बात, और ऐसे ये तो बहुत सुंदर है, उस समय और ज़्यादा सुंदर थे। तो हम लोगों ने यही कहा, भाई तुझे सिनेमा में जाना चाहिए, तो कहते नहीं। तो ये उस वक्त क्या करने की सोच रही थी जब आप कह रहे थे? हमसे कही थी, भैया आके बिजनेस सीखेंगे तेरे से, और खूब बिजनेस करेंगे, देश दुनिया में बहुत काम करेंगे, बहुत लोगों की नौकरियाँ लगेंगी, बहुत अच्छे बातें होंगी समाज देश के लिए, ये सब बातें बहुत करती थी। जरा इधर से इसको फुर्सत मिल जाएगा जब, तो बहुत कुछ करेगी आगे, बहुत कुछ कर सकती है, बहुत करेंगी भी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री इनको जल्दी फुर्सत देने वाली नहीं है। ये तो है। हम एक थोड़ी सी फुर्सत की घड़ी ले लेते हैं जिसका नाम है ब्रेक, उसके बाद लौट के आते हैं। और ब्रेक के बाद रवीना की मुलाकात है उनके तीन स्पेशल फ्रेंड्स के साथ। आपने क्या सरप्राइज प्लान किया है? क्यों फिफी, बता दे। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी करो इंतजार। वेलकम बैक, हम सब बात कर रहे हैं, मतलब बात मैं कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, शामिल हो रहे हैं रवीना टंडन से। मैं दावत देता हूँ स्टेज पर आने के लिए वंदना लूथरा साहिबा को और मुकेश लूथरा साहब। जिस तरह ये लोग आपस में मिले,
इससे तो बिल्कुल जाहिर हो गया कि वंदना जी और रवीना का बहुत ही मोहब्बत का बहुत ही करीबी रिश्ता है। तो पिछले 5 साल से अब तक जो है रवीना की कौन सी ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते और जो आप जानती हैं? सारी शैतानियां इकट्ठी करी है, जी 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 जी, झाड़ू इकट्ठे लगाए हैं। बड़ी खुशी होती है जब मुझे प्यार से फोन में कहती है हाय माँ। शी कॉल्स मी माँ बिकॉज़ मैं इसको टोकती बहुत हूँ। इनकी ऐसी और बहुत सी ऐसी वैसी सीक्रेट जानने के लिए हम कुछ और लोगों को बुलाते हैं, आप प्लीज तशरीफ। नाम उनके फिलहाल अनाउंस करने की जरूरत नहीं, रवीना जी के रिएक्शन से हम समझ जाएंगे कि वो कौन है। आइए आप। जहाँ तेरी ये नजर है मेरा मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरा मुझे खबर है, बचना सका कोई आयो कोई मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं, इसलिए ये लोग यहाँ दिल्ली में थे आपके लिए। और इसका बर्थडे है, मैं कल आज फोन ट्राई कर करके थक गई हूँ। इसका बर्थडे है, एंड जस्ट टू विश हर। इनकी पैदाइश का साल ना बताएं, लेकिन इनके नाम तो बता दें। ये है अफीफा, इसको फीफी बोलते हैं प्यार से और बेबा बोलते हैं। ये है प्रीति, इसको प्रीतम सिंह बोला जाता है। बहुत प्यार से प्रीतम सिंह, क्योंकि हम सबकी बॉस है। ये तो गलत करिए, ये तो ठीक करिए, ये गलत है, आई डू नॉट अग्री विद दिस, इसका पूरा चलता है। और ये है यस, ये है यास्मिन, और ये इसको प्यार से हम लोग यस बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, जो मन में आता है मोस्टली। ये सब सबसे बुलीड है ये, क्योंकि सब हम सब इसको ही बुली करते रहते हैं। ये एक खूबसूरत से कटोरे में कुछ चिट्ठियां फरमाइशें आई हैं तरफ से, तो आप जो चाहे उसे निकाल लें। चलो ये हम भी इसके बारे में कुछ जाने। Yes, you have to. आपको गाना पड़ेगा। हाँ, ये यास्मिन की फरमाइश है, कहती है दिस माई फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम ये वादा रहा। अच्छा, खाली एक एक लाइन। I like that line. मेरे प्यार की कोई खुशियाँ लूटे मिल जाए इस तरह। बहुत फिल्मी हम लोग। दो लहरे जिस तरह फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तेरे बिन है सदा। बस बस, ये अगली रिक्वेस्ट आप मुझे दे दीजिए। ये हम लोग के कॉलेज के टाइम का, कॉलेज स्कूल के बाद कॉलेज के टाइम पर हम लोग लंबे लंबे ड्राइव्स पे जाते थे, तो वेरी वेरी कॉफी पीने के लिए, तो इट्स अ वेरी गर्ली सॉन्ग, हम लोग का फेवरेट था। पे आप किसके साथ जाते? बेबा की शादी नहीं हुई थी, यास्मिन की नहीं, हम लोग साथ में, हम लोग एवरी इवनिंग वी हैव टू मीट। हम लोग की एक जगह बनी हुई है सहार एयरपोर्ट बॉम्बे का, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे हम लोग 5 रुपए की 10 रुपए की कॉफी पीते हैं, गपशप गप 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 मारते हैं, एक दूसरे को घर पे छोड़ के हम लोग घर चले जाते हैं। दैट्स आवर आउटिंग फॉर द ईयर। देखिए हम लोग कितने शरीफ लोग हैं बेचारे। जीना इसी का नाम है प्रोग्राम वाले, कि हमने सोचा कि ये इनका रूटीन जो है खराब ना हो जाए, इसलिए आज शाम आपकी बेकार ना जाए इनको बुला लिया। हमारे लिए भी एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए, हम कितने अच्छे लोग हैं। अच्छा, ये गाना है वो कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, लेकिन अभी इन लोग इंतजार नहीं, इन दोनों की शादियां हो चुकी है, इन लोग इंतजार करने और प्रीतम सिंह का इंतजार कर रहे हैं। ओके, ओ गॉड, यू ऑल आर सो एंबैरेसिंग। नो नो, कम ऑन, इट्स अ सिंगिंग, वी विल मीट मी लेटर। होगा वो मेरा इंतजार, किसकी तमन्ना में फिरती हूं बेकरार। अच्छा, ये एक और रिक्वेस्ट हुई। ओह गॉड, प्लीज यार, प्लीज। ओके ओके, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ऑडियंस कम ऑन, नजर नहीं चुराना सनम, यू डोंट नो द सॉन्ग, बदल के मेरी तुम जिंदगानी। विजय भैया, कहीं बदल ना जाना सनम। बस, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
रवीना से मैं अलग से पूछ लेता हूँ कि और क्या क्या नॉटी चीज़ें होती थी, लेकिन चूंकि आपके सामने नहीं बता सकते, मजबूरी है, तो आप लोग भी एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, मैं एक मज़ेदार ब्रेक लेता हूँ और फिर लौटता हूँ। और यहाँ ग्रीन रूम में भी गाने का सिलसिला चल रहा था। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि ये डिस्क्रिप्शन एकदम सूट करता है रवीना को? क्या जीना इसी का नाम है? रवीना से पूछते हैं। रवीना, आप जो मुझे ढेर सारे वाकयात बता रही थी ब्रेक में, उनमें से एक जो सबसे मतलब माइल्डेस्ट है वो आप बताएं। नहीं, ऐसा हुआ कि अफीफा, प्रीति और यास्मिन और मैं, हम वही हमारी एक ड्राइव के लिए जा रहे थे कॉफ़ी पीने, और एक यंग कपल था दूसरी गाड़ी में, मुझे पहचान लिया लड़के ने, तो वो कुछ तंग करने लगे हम लोग को, थोड़ा छेड़छाड़ी करने लगे, तो अब जो हमारी फ्लाइंग टाइग्रेस है उनका पारा थोड़ा चढ़ने लगा, तो एक सिग्नल पे आके गाड़ी रुकी और उसने ऐसे खिड़की नीचे करके उसने कुछ कह दिया, अरे व्हाट यू गर्ल्स आर एक्टिंग स्मार्ट और समथिंग। इसके पहले कि मैं कांच नीचे करके उसको जवाब दूं, एक मेरे बोनेट से आगे एक चीज उड़ती हुई नजर आई दूसरी गाड़ी के ऊपर, लड़के को बाहर निकाला गया, एंड जो हमारी फ्लाइंग टाइगर से अफीफा जी, वो एक दो जमाने लगी उसको धपा धप। उसके बाद हम लोग चारों जो पुलिस स्टेशन पहुंच गए। बेस्ट है, जब ये आके गाड़ी में बैठी तो इनके हाथ में एक बालों का गुच्छा था। भाई मेरी मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स झांसी की रानी पर कोई फिल्म अगर बना रहे हो तो कास्टिंग के लिए ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत, हाँ तीन चार यही मौजूद। टंडन साहब ने अभी बताया कि इनकी एक्शन सीक्वेंसेस की शुरुआत भी बहुत बचपन में हो गई थी। सच्चाई है कि इनकी मॉडलिंग की शुरुआत भी जो है मेरा ख्याल है बहुत बचपन से ही हो गई थी। हम जरा देखते हैं उस शुरुआत को। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात जी। अरे भाई You are not a late starter in anything, Raveena. मतलब बिल्ली के बच्चे डुबो दिखना, अजदहे घर पे ले आना, लड़कों की पिटाई कर देना, मॉडलिंग करना, अर्ली स्टार्टर। आपकी मॉडलिंग की दुनिया से जुड़ी हुई एक और चीज आपको दिखाना चाहते हैं, दिखाएं क्या? Oh my God, this is my first ad. सनसिल्क से आज की रात सबरी, नया काला सनसिल्क। इस एडवर्टाइजिंग कैंपेन से जुड़ी हुई एक साहिबा हैं, अमिता सहगल, हम उनको बुलाएं। ये जो पहली एडवर्टाइजमेंट थी या कमर्शियल एड थी रवीना की, इसमें आपने इनको कास्ट किया था? सनसिल्क के एड हम लोग कर रहे थे, एंड द थ्री गर्ल्स दैट हैड बीन चोजन, देयर वाज सुचित्रा पिल्ले, देयर वाज लक्ष्मी गर्ल फ्रॉम द साउथ, एंड देयर वाज क्वीनी सिंह। एंड लक्ष्मी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी, एंड शी कुडंट कम, एंड द नेक्स्ट डे वाज अ शूटिंग, और मेरी उस दिन एड क्लब अवार्ड्स थी, मैंने कहा अभी कहाँ से ढूंढूंगी मैं, क्या करूँ? सो आई वेंट जेनी पिंटो, शी इज़ अनदर एड फिल्म मेकर, उनके I went to her office and वहीं उनके उसने क्लियरसिल की कोई वीडियो टेस्ट का टेप था, उसने कहा आप देख लो इसमें किसी के चेहरा, मे बी यू विल फाइंड अ गर्ल विद नाइस लॉन्ग हेयर। सो आई वेंट थ्रू द होल लिस्ट ऑफ गर्ल्स, एंड हियर वॉज अ गर्ल हु हैड अ लवली नाइस लड्डू फेस विद दिस लॉन्ग रियली स्ट्रेट हेयर, एंड आई सेड लुक शी लुक्स, ये तो अच्छी लग रही है। आई वेंट अपस्टेयर्स टू द ऑफिस एंड आई रिमेंबर कॉलिंग हर फादर मिस्टर टंडन। मिस्टर टंडन वॉज सो अपसेट, ही सेड देयर इज नो वे आई एम गोइंग टू लव, मैं अपनी बेटी को एड वैड में कुछ नहीं, आई डोंट इवन वॉन्ट टू गेट इन टू, आई एम अ फिल्म पर्सन, आई डोंट इवन वॉन्ट टू बिकम एन एक्ट्रेस, एड वैड में कुछ, देयर इज नो वे। आई डोंट नो हाउ आई कन्विंस्ड हिम, आई डोंट नो हाउ कैसे ये हुआ। आज उनको पहली बार मिस्टर टंडन को देख रहे हैं, मिसेज टंडन को आई एम मीटिंग हर आफ्टर 13 years, दैट वॉज डन 13 years ago। तो नेक्स्ट डे रवीना हैड टू कम ऑन टू द सेट, नोबडी हैड सीन हर, किसी ने नहीं देखा उसको कि मैं व्हाट डज शी लुक लाइक। तो मिकी कॉन्ट्रैक्टर बाहर आया, उसने कहा ये है लड़की, सो मैंने कहा हाँ ये है लड़की।
So sweet Raveena with her just such fair complexion, and she had a nice sweet laddu face. She walked in and I remember ki abhi kya usko pehnaye, and 2 hours I don't know what was happening in the makeup room. Raveena nikli makeup room se, and hey bhagwan, she walked onto the set, and the way she carried herself, you know, boy, there was that laddu face girl was transformed into this complete swan, and the entire unit mane hum log le, and usi din se वो निकली अपनी मर्सिडीज से, और उसी दिन से स्टार थी, अभी तक स्टार है। बस उस लड्डू फेस के दौरान जो है, एक और गुड्डू फेस भी थी जो अब बहुत मशहूर मॉडल भी हैं, उनका नाम है सुचित्रा पिल्ले। तब आप रवीना से पहली बार मिली जी, 13-14 साल की बात है, दिस द सेम वेरी सेम एल्बम, और मुझे अभी याद है कि वो मेरी भी पहली एड फिल्म थी, और रवीना आंटी के साथ आ रही थी मुझे पिकअप करने के लिए, एंड माय मदर आल्सो, शी वाज एक्सपेक्टिंग आई थिंक कि यू नो इट वाज अ स्नॉब मॉडल काइंड, जैसे मॉडल जैसे यू नो स्नॉब जिसकी बड़ी ईगो होगी ये वो, आई डोंट थिंक वी विल एवर, पूरी लाइफ हिस्ट्री खोल दी हमने फ्रॉम द टैक्सी से लेके स्टूडियो तक, हेलो हेलो टू मालूम है मेरे दादा के परदादा थे, तो ऐसा ही कुछ हुआ, और उसके बाद भी आई मीन इट्स बीन 14 साल तो हुए हैं, लेकिन हमारी दोस्ती इतनी पक्की रही है। I'd like to share this special moment is that जो हम लोग ने first ad किया साथ में, वो भी ad यही था कि मैं गाड़ी से, जैसे आपने ad देखा, मैं गाड़ी से निकलती हूँ, I'm a star, and exactly 1 year later from that ad, my first मेरी पहली picture जो पत्थर के फूल थी, उसका premiere था, और उसी तरह मैं और सुचित्रा दोनों साथ में प्रीमियर नाइट पे दोनों गाड़ी से उतरे, वी वॉक्ड अप द स्टेप्स टुगेदर होल्डिंग, शी वाज होल्डिंग माय हैंड, इट वाज माय फर्स्ट प्रीमियर, एंड द सेम वे पीपल केम एंड साइंड ऑटोग्राफ्स एंड अ क्राउड केम, एंड आई कुड सी सुचित्रा जस्ट स्टैंडिंग ऑन द साइड लाइक दिस लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग। मैं इनके एडवर्टाइजमेंट की दुनिया से, कोई एक इनके दोस्त हैं, वो इनसे कुछ कहना चाहते हैं। स्लेव्स भाग नहीं सकते, स्लेव्स इस्तीफा नहीं दे सकते, सिर्फ बिक सकते हैं। रवीना तुम फरार हो मेरे दफ्तर से, सो आई स्टिल हैवंट सोल्ड यू, प्रहलाद कक्कड़ साहब को आप परिचय के मोहताज नहीं है, मतलब मैं उनका बॉस था। रवीना एक दिन मेरे दफ्तर आई मॉडलिंग करने जी, और इधर उधर देखा कि इधर बहुत मजा आता है लोगों को, मैंने कहा जरूर, पैसे वैसे भी मिलते हैं सर? हाँ कभी कभी पैसे भी मिलते हैं, कभी कभी। तो वो बोलती कि मैं इधर काम कर सकती हूँ बीच बीच में जब शूटिंग वूटिंग नहीं होती मेरी, मैंने कहा कल सुबह से 9 बजे पहुँच जाओ, पहुँच गई, उसके बाद ट्रैप्ड। प्रहलाद जी के यहाँ ट्रैप्ड मतलब कि हम लोग ने जो जो इनके यहाँ काम करते थे, हम लोग ने एक बड़ा बिल बोर्ड बनाया था और उनके ऑफिस के कैबिन में लगा दिया था कि स्लेव्स कैन नॉट रिजाइन, कैन नॉट लीव, दे ओनली गेट सोल्ड, मतलब वंस यू जॉइन जेनेसिस यू कैन नॉट लीव, आप इस्तीफा तो इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट आपसे काम क्या करवाते थे? प्लीज मैंने सेट के स्टूडियो के सेट पे कट का मारा, झाड़ू मारा, एक मॉडल था, हम लोग कैडबरीज ट्विस्ट की ऐड कर रहे थे, आफ्ताब मॉडल था जो अभी हीरो बन चुके हैं, आफ्ताब शिवदसानी, तो उस वो एक्लेयर की ऐड कर रहा था और आफ्ताब को इतने चॉकलेट्स रीटेक्स कर चुका था कि उसको उल्टी आ रही थी, और ये था कि सेट खराब अगर हो गया तो ये हम लोग को सूली से लटका देंगे। सफेद सेट था एकदम, मुझे क्लियरली अभी भी इंसिडेंट याद है।
तो जैसे ही वो आफ्ताब करने लगा प्रहलाद का चिल्लाने का डोंट लेट हिम प्यूक ऑन द सेट, सेट पे एक ड्रॉप नहीं गिरना चाहिए, फट करके मैंने अपना हाथ ऐसे आगे किया और आंखें बंद कर दी और आफ्ताब मेरे हाथ में उल्टी कर रहा है और वो इकट्ठा करके वो थूक रहा है वो चॉकलेट और मैं भाग रही हूँ और ये उधर हा 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 इनकी बस हंसी सुनाई देती थी। ये मुद्दे की बात आपने बताई नहीं, उसमें इनकी तनख्वाह क्या थी? Tanka, are you joking? She had to pay me. I was training her. What Tanka? आप काय की बात कर रहे हैं? कौन हैं आप? लेकिन मुझे याद है मेरे first ad मैंने इनके लिए किया था बिस्का noodles का ही एक बार ad कर रहे थे शायद। तो मेरी first जो मुझे pay मिली ad की not this after an individual ad। तो इन्होंने आखिरकार कुछ दिया था? Was 500 rupees I remember that was my lowest I have ever taken as in you know my first fees in. और यहाँ ग्रीन रूम में है रवीना के दो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स नम्रता और जॉन। आप रवीना को एक वर्ड में डिस्क्राइब कर दीजिए। जेन्युइन, बिंदास। वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है कि इस हिस्से में आपका फिर से स्वागत है। अब हम उस दौर रवीना की करियर की रवीना की ज़िंदगी के उस दौर की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं जिसके लिए वो आज बहुत मशहूर हैं, वो है उनकी फिल्म करियर का। हाय रवीना दी, आई एम रियली सॉरी आई कुडंट कम फॉर शो बिकॉज़ आई एम शूटिंग इन जोधपुर। रवीना दी, द वे यू कॉल मी बेटू एंड बेटा इट रियली टचेस माई हार्ट बिकॉज़ यू हैव नोन मी सिंस आई वाज अ चाइल्ड and before you even got into film industry so both of us share a very special bond that very few people know about and I don't want to talk about it on TV and I just pray to God that whatever happens in your life like you get the best because you deserve the best and I'm really proud that I know you and even I'm a special part of you. Thanks, take care. To bhai ye kya baat hai, matlab kya kis wo secret ke bare mein zikr kar rahi hai? सीक्रेट नहीं है, ये कहना चाह रही है कि वाई आर वी सो क्लोज। बचपन से मैंने उसको ऐसे देखा है और ये अभी इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और तभी भी नहीं बतली है। अभी भी बेझिझक हुआ के सेट पे वो चिल्लाती है रवीना दीदी जोर से भाग के आएगी एंड शी विल हग मी एंड दैट वार्म्थ इज देयर इन हर एंड दैट इज सो स्पेशल, इट्स स्पेशल बिटवीन अस। बहुत से लोग ये कहते हैं कि रवीना हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, एक और साहिबा भी ये कहते हैं। नम्रता शिरोडकर के बारे में ये कहना तो जरूरी नहीं है कि नम्रता शिरोडकर कौन है। नम्रता शिरोडकर कौन है? नम्रता शिरोडकर आपकी, आपने कभी साथ में काम नहीं किया? हम लोगों ने एक शो किया था रिसेंटली लाइक अ वर्ल्ड टूर एंड दैट्स व्हेन वी आई थिंक रियली रियली बॉन्डेड एंड बट वी न्यू ईच अदर आई कैन से वेरी वेल एंड नॉट वेरी वेल बट वी जस्ट काइंड ऑफ आई थिंक नाउ वी नो ईच अदर बेस्टेस्ट। कुछ अंदरूनी कुछ बात है। It's a strange friendship, but it is, it's a great friendship. Like I always say, if you have to ask me one thing about her, jo main hamesha sabse kehti hu ki in the industry especially, I mean, I've been here for a while, you don't meet very real people. She's one person who I think is truly genuine from the heart. Unke male friends ki bhi ye raaye hai. कुछ लोगों ने हमसे बात भी की। Hi Ravs, this is Sunil Shetty, of course you know me. I'm not there for your show, but I'm always there for you, you know that. I'd call her my boyfriend and I don't know what she calls me, but yeah, my boyfriend too. Even my wife shares the same feeling about her, extremely fond of her. So also Tia, I share a great rapport with her. That's because she's blunt, she's honest, and she's a tomboy. So that's why I call her a boyfriend. ये सबकी दादी है, मतलब वो like you were saying na you probably take over from her but she takes over from everybody else like she's I call her my guru and we chase the same dreams acha I mean you know usi kisam ke decisions ke bare mein batane ke liye inke ko ek aur boyfriend aa rahe hain bahut khoobsurat se boyfriend hai please tashreef laiye John Abraham sahab। वी मेट इन अ डिस्को एंड वो एकदम सामने बैठी थी सो देन शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड आई वांट टू डांस कम यू नो टेक मी ऑन द फ्लो
And that's how we first met. She's a very genuine person. She's just one of the boys and I like that about her. Tomboy and one of the boys. Tomboy is one of the boy, another boyfriend. Many a times at the airport also, jabhi wo utarti hai plane se, she waits there and I come with my motorbike with another helmet and I say, chalo, let's sit on the bike. And the public wahan pe hai, they just stand and they look at her, ye kya kar rahi hai, pagal hai kya? And suddenly this bike will come, she'll sit with the helmet and we'll go off sometimes. Aapko bhi aisa lagta hai ki ye helmet mein zyada achhi lagti hai? Bahut pyari lagti hai helmet. हेलमेट्स के और उसके अंदर नजर आने वाले चेहरों का डिस्कशन हम करते हैं उसके बाद मिलते हैं एक ब्रेक के बाद जीना इसी का नाम है कि इस सेगमेंट में आपका फिर स्वागत है अच्छा अभी जब सबकी पोले खुल रही हैं तो मैं भी यहाँ पे कुछ पोले खोलना चाहती हूँ जी हाँ असलियत ये है कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं तीनों में से एक है who had a massive crush on John. So usne kaha tha, Ravs, tu films mein, tu usko janti hogi. Tu yaar, ek, please yaar, hi, hello, usko bolte hain, hi, hello, bolte hain. So maine socha, maine kaha, theek hai, I'm a senior actress. Achha. He's a junior artist. junior artist. Achha. So aisa hua ke ye wahan pe kisi ladki ke saath dance kar rahe the, bade dhoom jham se. Yeah. To meri jo friend hai, please, should aaj poll khol do kya? Besides that, what I found in John is that he is one of the most genuine friends. Give me a five. I love you on that, Jora. Thanks. हम रवीना की फिल्म करियर के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में जो है कुछ चीजें बताने के लिए हमने कुछ दोस्तों से पूछा Many years ago when I took Raveena Tandon in Mohra I did not anticipate the film to do well or the song in the film to do well. I signed Raveena knowing she was a very good actress then and is now. I was working with her and she was always very punctual, very dedicated. मुझे जहाँ तक याद है रवीना मोहरा से पहले एक वक्फा एक पॉज आपने लिया था तो ये पॉज आपने क्यों लिया था इसके दौरान जो है आपको क्या मुश्किलें पेश आई हैं कभी आपको ऐसा लगा आपने गलत फैसला ले लिया है या जब आप लौट के आई तो कैसा रहा मैंने ऑलवेज ये सोचा था जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी शुरुआत ये हुई कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बड़े होकर एक्ट्रेस बन जाऊंगी या आई वॉज वेरी एम्बिशियस या वेरी वेरी करियर ओरिएंटेड लेकिन हाँ ये सोचा था कि आई विल सेटल डाउन के 5-6 साल काम करके आई विल सेटल डाउन एंड आई एम बेसिकली क्वाइट अ होम बर्ड काइंड ऑफ अ थिंग एंड सो इट वाज अ वॉलंटरी डिसीजन ऑन माय पार्ट आई हैड इन द मिडल थॉट ऑफ गेटिंग एंगेज्ड एंड सेटलिंग डाउन बट द मिनट दैट डिडंट वर्क आउट आई रीस्टार्टेड माय करियर एंड आपने जब नए सिरे से शुरू किया तो वो पीरियड आपके लिए कैसा था उस मकाम तक पहुंच गई थी मैं जहां मेरे पास कुछ भी नहीं था इन अ वे नीदर डिड आई हैव अ पर्सनल फ्यूचर नीदर डिड आई हैव अ प्रोफेशनल फ्यूचर मुझे लग रहा था कि मैं कम्प्लीटली जीरो हो गई लेकिन हाँ जो मैंने स्ट्रेंथ आप ये जितने लोग आज यहाँ देख रहे हैं और माई फ्रेंड्स एंड माई फैमिली आई थिंक इफ दे वर नॉट देयर फॉर मी शायद मैं बिखर सकती थी उस समय और इन लोगों की वजह से शायद कि आज मैं वापस अपने पैरों पर खड़ी हूँ आई हैड द स्ट्रेंथ to restart and I did restart and here I am and you took quite and, a start yeah and friends like Sunil Jackie Sanju Govinda I'll never forget because Sunil always used to tell me ke Raveena you have it in you don't give up now you're at your peak you're at your highest abhi mat tu you know don't give up now and the minute I wanted to restart I called up that's why I called them my friends because they're true friends because the minute I called them up and I said you know Sunil मुझे लगता है मुझे फिर शुरू करना चाहिए और मेरा फर्स्ट कमबैक सॉन्ग जैसे कह सकते हैं वो शहर की लड़की जो गेस्ट अपीयरेंस था बिकॉज दे वर इन ट्रबल एंड आई सॉर्ट ऑफ हेल्प देम आउट एंड अशोक होंडा जो प्रोड्यूसर था वो आई रिमेंबर ही ब्रॉट वन सूटकेस फुल ऑफ मनी जब पिक्चर हिट हो गई और गाना हिट हो गया मैंने यही बोला मैं कहा तुम्हारी और सुनील की वजह से जो एप्रिसिएशन मुझे इस गाने में मिला है और जो वापस मुझे काम मिला है तुम जितना भी पैसा मेरे सामने ला के डालोगे वो काफी नहीं होगा मैं कहा यू ऑल्सो टेक दिस मनी एंड यू ऑल्सो गेट आउट फ्रॉम हियर You all are my friends, and that is it. And that's how we've all stuck by each other, I guess. There's somebody else who has something very nice to say to you. वो आपसे मिलना चाहती है.
राकेश मेहरा साहब बहुत काबिल डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी, हम सब ने देखी अक्स। राकेश साहब, आपने जब इनको साइन किया तो क्या सोच कर या क्या देख कर साइन किया? होता क्या है कि हर एक डायरेक्टर के एक कल्पना होती है, there's an imagination you have, and for the character of Neeta, I also had my stupid imagination and things like that. And one day I called Raveena up and I said I want to meet you. She was very busy. तब से पहले आप मिले नहीं थे? ना ना बिल्कुल, मैंने सिर्फ इनकी फिल्में देखी थी और अक्स मेरी पहली फिल्म है, तो रवीना टंडन का नाम सुन के मेरे तो पैर कांपने लगते हैं। कांपने लगते थे या कांपने लगते हैं? और कांपने कांपते रहेंगे। जिस समय ये नरेट करना इन्होंने शुरू किया, मैंने जो इनके आंखों से लिटरली आई कुड सी द कैरेक्टर थ्रू हिज आईज, जो जैसे इन्होंने नीता को देखा था मैं वही देख रही थी, जैसे ये पिक्चर देख रहे थे मैं वही देख रही थी, और मैंने जब अपना इनपुट दिया तो ओवर टू यू। आपका आपका इनपुट जो है हम पर्दे पे देख लेते हैं। एक बिल्कुल बहुत खूबसूरत सा सीन। एक और चीज जिसके लिए रवीना मशहूर हैं, एक और साहिबा हैं जो उस किस्म के कपड़े बनाने के लिए मशहूर हैं और रवीना की बड़ी फैन भी हैं, मैं उनको दावत देता हूं स्टेज पर आने के लिए। एना सिंह। आपकी और रवीना की प्रोफेशनल रिलेशनशिप कब से शुरू हुई? एक्चुअली वी मेट अबाउट 12 years ago, 12 साल पहले जी, जब ये नवे नवे आए थे, हमें कुछ 2 साल हुए थे तब काम स्टार्ट किए, फिर हम लोग मिले और फिर हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप बना जिसमें ये मनीषा और पूजा, हम लोग यू नो ऑल 4 ऑफ अस यूज्ड टू काइंड ऑफ हैंग आउट टुगेदर एंड हैव दिस फेमस गर्ल्स नाइट, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट वी काइंड ऑफ लॉस्ट टच विद ईच अदर यू नो फॉर अ व्हाइल, but it was very strange because people, we weren't working with each other for a while in the middle, and I used to hear you know other people saying things and then promptly call her and say, see this is what's happening, be careful, be careful, because they never made the connection between us. Acha, ek Anna ke bare mein main kehna chahti hu ki there's always a person jo career mein hota hai, jo ek aapke piche hota hai, jo ek quiet strength hota hai. Believe me, aaj tak mere ko koi professional problem hoti hai ya I'm in a mess ya kuch kisi ne kuch kar liya hai, She's the first person जिसको मैं फोड़ती हूँ। अन्नी, अब क्या करना है? और यहाँ ग्रीन रूम में मेरे साथ है महेश भट्ट। महेश जी, आपने रवीना के साथ प्रोफेशनली कभी काम नहीं किया, लेकिन आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये पहचान कैसे हुई? कहते हैं कि इंसान की फितरत का आपको सही अंदाजा तभी होता है जब उसके सर पर कोई आफत आ टपकती है। और ये आफत क्या थी और ये दोस्ती कैसी है, ब्रेक के बाद। इसी का नाम है, बातें कर रहे हैं रवीना टंडन से। एक बहुत मशहूर फिल्म थी जिसने इनको बड़ा मान सम्मान दिलाया, मैं उनको बुलाता हूं जो उसकी बात करते हैं। कल्पना लाजमी जी तशरीफ लाएं। कल्पना की फिल्म दमन में रवीना को नेशनल अवार्ड मिला था। वेल डिजर्व्ड वन। वेल डिजर्व्ड। कल्पना, आपका अनुभव रवीना के साथ काम करने में कैसा रहा? जब ये मेरी चौथी फिल्म दमन जब मैंने लिखा, आई वाज वंडरिंग हु वुड डू दिस रोल बिकॉज आई हैड सो लिटिल मनी टू मेक दिस फिल्म, क्योंकि जिस तरह की फिल्में हम बनाते हैं उनको अगर ऑडियंस तक पहुँचाने पड़ेगी तो वी नीड द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार। तो एक हमारे कॉमन फ्रेंड है सुभाष झा, जर्नलिस्ट हैं पटना के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि यू नो टुमारो इज़ रवीनाज़ बर्थडे, अक्टूबर 26, एम आई राइट?
So he said, why don't you just approach her? So I phoned her. And she didn't even read my script, didn't want to know what the subject was, didn't ask me what the price I was supposed to pay her. And she said, you've given me my birthday gift, and that's how we started the month together. I was too thrilled. I couldn't believe it. Pralad Kakkad had paid her the least price, that was 500 rupees. I'm sorry, that's not true. I have paid her no price, and she did Daman for me free of cost. And I'm very grateful for that. But when we were on sets, and I was looking a little disturbed, so I said, what's happened? I said, I have got only one night. 9 o'clock tonight till 5:30 in the morning, mujhe ek naach picturize karna hai, gana picturize karna hai, and I don't know how to do it. And she said, paise nahi hai choreographer ke liye. I said, choreographer kaha? We are in some jungle. So she said, shall I choreograph it for you? Matlab gana inhone? Gana inhone direct kiya, choreograph kiya, execute kiya. And it was a very popular song in my film, Daman. So, we have a small part of the song. Mora rangulabi sabka man harshaya Phulva mori tan me phuli sabka man harshaya दमन जो है इनकी करियर के एक हाई पॉइंट्स में से इसलिए भी रहेगी क्योंकि इनको हिंदुस्तान का सबसे प्रसिद्ध पारितोषिक जो है नेशनल अवार्ड वो दमन के लिए मिला था. रवीना, एक इस अवार्ड के सिलसिले में एक बड़ा हंगामा भी उठा था, बड़ी चर्चा भी हुई थी और बहुत विवाद में था ये अवार्ड. उससे आपका आपका क्या रिएक्शन था? एक तो शॉक लगा कि ये जो इंसान थे ये क्या बोल रहे हैं. मैंने उनको सीधे उनके मुँह पे पूछा. मैंने कहा कि आपने कहा कि मैंने फिलहाल गवर्नमेंट है उनके लिए कैंपेन किया इसलिए वो खुश होकर उन्होंने मुझे दे दिया. तो आप मुझे एक तस्वीर या एक न्यूज़ रील कुछ प्रूफ तो होता कि मैं कैंपेन कर रही हूँ. आज सब स्टार्स कैंपेन कर रहे हैं, सब पेपरों में उछाला जा रहा है सब जगह. तो उन्होंने बहुत सोचा और उन्होंने बहुत झिझक से कहा कि आई'd लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू अपोलोजाइज टू यू. और मुझे उस समय इतना गुस्सा आया, मैंने कहा ये दो दिन से ही इज क्वेश्चनिंग माई इंटेग्रिटी इन फ्रंट ऑफ द होल क्वेश्चन और एक सॉरी बोलने से उनका सब खत्म हो गया. लेकिन उस समय मीडिया ने बिल्कुल हेल्प नहीं किया तो वो बात समझ में नहीं आई. लेकिन खैर, आई थिंक इट्स ऑल टू सी दिस ईयर आई बैग्ड ऑल द अवार्ड्स फॉर अक्स एंड मेरा एंड मी एंड कल्पना विल कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर एंड आई थिंक वी विल डू इट अगेन. उन दिनों में जब ये चर्चा बहुत गर्म थी तब एक और साहब थे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उन्होंने इसमें अपनी राय जाहिर की थी और बहुत खुल के और बहुत एम्फेसिस के साथ जाहिर की थी. मैं दावत देता हूं स्टेज पर आने के लिए महेश भट्ट साहब. मेन स्ट्रीम सिनेमा की कलाकार को एक नेशनल अवार्ड मिला, ये बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को. उस वक्त आपके तासुरात क्या थे, आपके ख्याल क्या थे? ऐसे मौके पर कॉन्ग्रेचुलेट करना छोड़ो, आप तोहमत लगा रहे हैं और आप उसने जो राइटफुली कमाया है उससे छीन रहे हैं. तो मुझे लगता है कि शेर के मुंह से हड्डी निकालना और हिंदुस्तानी आदमी से तारीफ करवाना बहुत मुश्किल काम है. मैंने इस बच्ची को फोन किया, मैंने कहा बेटा देखो डरना नहीं, बिल्कुल गो आउट एंड ग्रैब द पावर बिकॉज यू डिजर्व इट. एक और पहलू है रवीना की जिंदगी का, बड़ा अच्छा पहलू, बड़ा खूबसूरत और काबिले तारीफ पहलू. रवीना को बचपन से ही बच्चों से प्यार है. जब यहाँ मिलने आती है वो हमारे साथ खेलती है, अच्छे से बातचीत करती है. '2001 में हम लोग को रवीना दीदी ने क्रिसमस पार्टी के लिए ले गए थे. वहाँ रवीना दीदी हम लोग के साथ क्रिसमस ट्री बनाने के लिए मदद किया और रवीना दीदी हमारे साथ नाश्ता पानी किए, हमारे साथ खेले, वो बहुत मजा किया हम लोग ने उनके साथ. आई विश रवीना ऑल द बेस्ट इन हर कैरियर एंड ऑल्सो गॉड्स ब्लेसिंग सो दैट शी मे बी हर फ्यूचर माइट बी वेरी ब्राइट. इसके बाद जो है दो और मेहमान यहाँ आने वाले हैं,
उनके बारे में मैं बहुत सही तरीके से अगर बताने की कोशिश करूं भी तब भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। मैं ये कहूंगा कि रवीना खुद उनके बारे में बयान करें। पूजा और छाया तशरीफ लाएं। हाय बेबी। हेलो बेबी। ओह गॉड, ये मेरी भांजियां हैं दोनों। और बस मेरी भांजी आया ना, लव देम वेरी मच। एंड फॉर मी मोर देन अ बुआ, शी इज माय मॉम। शी इज अ फ्रेंड, अ सिस्टर। ये रट के आई है? नो, शी इज लाइक एवरीथिंग फॉर मी। आई शेयर एवरीथिंग ऑफ माइन विद हर। शी इज माय मॉम, शी इज माय गॉड, शी इज एवरीथिंग फॉर मी। लव यू। No, these, yes, they are my daughters and my best friends. And I think there was, in my life, if there was anything that was jo missing tha, ek complete picture banane ke liye, agar ek tukda jo missing tha, ye jab se main ko janti hu aur ye mujhe janti hai, wo my life is complete, actually. Tasveer mukammal ho gayi. Haan ji. My life is complete, and I think there's a reason for that. I don't miss anything in my life. I have my parents, I have my friends, I have my family, and I have my girls, and I have my brothers, and I have everything. Thank you. उनके भाई से मैं कहूँगा कि वो दो शब्दों में रवीना को सम अप करें। ऐसा है कि बात भाई की आई है, मगर एक 10-12 साल पहले की किस्सा मुझे कहना होगा। एक बार एक सहारा का ही फंक्शन था, डिनर था, तभी उसकी एक ही दो फिल्म पूरी हुई थी, तो काफ़ी इसकी शोहरत थी। इसको जर्नलिस्ट भाइयों ने बहुत घेर रखा था, बहुत उठपटांग सवाल कर रहे थे और ये बहुत परेशान थी, बहुत जोर से चिल्लाई, भैया इधर आओ। मैं भाग के गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आई, हाथ में हाथ डाली और कह हाँ फोटो खींचो, जो सवाल था जवाब ये है लो। तो मैं ये कहूंगा, जब आपने एक भाई को कहा समाप्त करने के लिए, मैं तो समझता हूँ ये मेरे बेटी ज्यादा अच्छी है बहन से। हमारा भी एक ट्रेडिशन है, एक फैमिली टाइप का, कि हम सब मिलकर खड़े होते हैं और एक खूबसूरत हमारे रिकॉर्ड के लिए तस्वीर खिंचवाते हैं। दोस्तों, जी भर के मजा ही नहीं आया, जी भर भी आया। बाहर का लोहा अंदर का रेशम, मोम की तरह नरम और खूबसूरत, इसका नाम है रवीना टंडन और इसी को कहते हैं जीना इसी का नाम। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।